हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, HF, HCl, HBr एंड HI। तो हमें एसिडिक कैरेक्टर में हमें इनको अरेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज HF, HCl, HBr एंड HI। सो HF, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो किस किस के साथ है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। साइज इंक्रीज होने के कारण जो मेटल और हेलोजन का बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज। मतलब दिस इज हाइड्रोजन हेल हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड, एक्सिस यानी हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली जल्दी से रिमूव हो सकता है। सो एच आई इज मोर स्ट्रोंगर एसिड देन एच बी आर, एच सी एल एंड एच F। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। हम एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्डर को, दैट एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन फॉर्मेशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब एच एफ में कॉन्जुगेट बेस बनेगा एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एच बी आर में बी आर नेगेटिव और इसमें आई नेगेटिव। सो आई नेगेटिव जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी दिस। Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.